अर्चना गौतम खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 जाने से पहले एक सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है। आखिर इस इमोशनल वीडियो में अर्चना गौतम ने क्या कहा है और कहां कौन से लोकेशन पर खड़े रह के अर्चना ने ये वीडियो शूट किया है और डाला है, आई नजर डालते हैं इस वीडियो पे, जहां मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगी। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं, यूं तो अर्चना गौतम बिग बॉस 16 में आने के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ चुकी हैं, लेकिन खबर अभी ये भी आया था कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में बहुत जल्दी ही अर्चना गौतम नजर आने वाली हैं, जहां अर्चना गौतम का एक अलग ही रुख सामने नजर आएगा कि आखिर किन चीज़ों को उनको लगता है डर और किन किन डरों से वो ओवरकम करके स्टंट कम्प्लीट करती हैं। और क्या पता इस बार अर्चना गौतम खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का ट्रॉफी भी जीत ले या फिर कुछ और नए खबरों के साथ अर्चना गौतम वापस इंडिया आएंगी। लेकिन इस बीच अर्चना गौतम रिसेंटली एक वीडियो शूट करते हुए ये लिखी है कि आज मेरे शो का लास्ट दिन है। आप सोच रहे हो कौन सी शो की मैं कर रही हूँ बात। अर्चना गौतम रिसेंटली हर वीकेंड पे कलर्स का शो एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल में नजर आ रही है। अभी ये शो को तो अलविदा कहना ही पड़ेगा, तब जाके खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में वो नजर आ पाएंगी। तब इसलिए उन्होंने एक वीडियो शूट करके कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है, मेरा आखिरी शूट है ये एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल में, और दुख भरे अंदाज के साथ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं सेट पे जितने भी लोग हैं, जितने भी जन हैं यहाँ पे, जितने मेरे फ्रेंड्स बन गए, सभी को मैं मिस करने वाली हूँ। लेकिन कहते हैं ना, एक शुरुआत करने के लिए कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, और मैं एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल के स्प्रे सेट को और यहाँ के प्यारे प्यारे लोगों को छोड़ के मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, और मेरा आज आखिरी दिन है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, बस खाली इमोशनल हो रही हूँ। साथ ही ये देखा गया कि अपनी मॉम को भी वहाँ पर सेट पर लेकर आई थी, मॉम को लेके भी वो इमोशनल होते हुए दिखी कि मुझे मेरी मॉम को भी छोड़ के जाना पड़ेगा इस बार। तो उस बात का भी मुझे बुरा लग रहा है कि पहले बिग बॉस में मॉम को छोड़ के रही, अब खतरों के खिलाड़ी में मॉम को छोड़ के रहना पड़ेगा। और ये कहते हुए अर्चना गौतम ने एंटरटेनमेंट के सेट पे ही अपना वीडियो शूट किया है, सारे फैंस के साथ इंटरेक्ट किया है जितने भी वहाँ पे बैठे थे, और सभी के साथ एक नॉर्मली बातचीत करते हुए उन्होंने ये वीडियो को एंड किया है और सोशल मीडिया पे डाला है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो आने के बाद सभी लोगों ने अर्चना को इस चीज़ के लिए गुड विशेज दिए हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन किया है खतरों के खिलाड़ी के लिए, और तो और जीत के आने के लिए और अच्छा स्टंट करने के लिए गुड विशेज भी दिए हैं। वैसे अर्चना गौतम के इस वीडियो पर आपका क्या रिएक्शन है और आप अर्चना गौतम के लिए क्या कहना चाहेंगे, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिलहाल के बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फीफा फूज़।